अस्सलाम वालेकुम माई होल यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम टू माई चैनल। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी कस्टर्ड। इसके लिए 1 kg मिल्क लिया है, इसको कर लेना है अच्छे से बॉयल। और इसके साथ ही हमने लेना है वनीला कस्टर्ड फ्लेवर, इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। और हमने ये पाउडर जो है बाउल में निकाल लिया है, पानी से इसकी स्लरी बना लेनी है और इस स्लरी को हम साइड पर रख देंगे। जैसे ही हमारे पास मिल्क जो है ठीक होना शुरू होगा हम इसको ऐड कर देंगे उसमें। लीजिए स्लरी रेडी है, मिल्क हमारा बॉयल हो रहा है अच्छे से। और हमने इसमें ऐड की है शुगर, हाफ बाउल शुगर होगी ये, इसको हमने ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको मीठा पसंद हो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वो जो स्लरी हमने बना के रखी है। आपने ख्याल रखना है जैसे ही आपने कस्टर्ड स्लरीज इसमें ऐड करनी है तो कंटिन्यूसली आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है और उसके साथ उसको ऐड करते जाना है। इसको कुक करना है, जैसे ये ठीक हो जाएगा हमने फ्लेम ऑफ कर देना है, इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा करना है। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं फ्रूट्स। इसमें बनाना लिया है, स्ट्रॉबेरी और एप्पल के पीसीज हैं जिनको हम ऐड कर देंगे। हाफ मैंने इसमें अभी ऐड कर देने हैं, थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख लेने हैं। और इनको ऐड करके मिक्स करके और उसके बाद हमने सर्विंग बाउल में ऐड करना है इनको, और उसके बाद फ्रीज करना है और एंजॉय करना है। तो मिक्सिंग हो गई कंप्लीट, सर्विंग बाउल में इसको ऐड कर देते हैं और उसके बाद मैं इसे गार्निश करती हूँ और फ्रीज़ कर लूँगी, उसके बाद एंजॉय करूँगी मज़ेदार सा कस्टर्ड। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी गर्मियों की फेवरेट रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।